अयुष साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। यह है डॉक्टर परविंदर सिंह पसरिजा, भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी, पूर्व डीजीपी महाराष्ट्र पुलिस और गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्ड संस्था पर तीसरी बार नियुक्त हुए प्रशासक। इनसे सरदार रविंद्र सिंह मोदी के साथ हुई विशेष बातचीत के कुछ अंश प्रसारित कर रहे हैं। स्थानीय सिख समाज का विकास, शिक्षा, जमीनों के आरक्षण, कानूनी पहलू और अन्य नई परियोजना के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए डॉक्टर परविंदर सिंह पसरिजा। देखिए, ऐसा है कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरा ऐसा विश्वास है कि कलगीधर की सेवा तभी सफल होगी जब हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको एक अच्छा रास्ते पे लाए, उनको अच्छी एजुकेशन दें, उनको अच्छी वैल्यू सिस्टम संस्कार डालें, ताकि वो सिखिज्म के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत से जुड़ी रहे। ये बड़ी अच्छी बात है कि नांदेड़ के जो सिख हैं गुरु महाराज के साथ बहुत ही प्यार से जुड़े हुए हैं। मैंने इतना कहीं सारी दुनिया में नहीं देखा जितना नांदेड़ में है। लेकिन दुर्भाग्य से जो एजुकेशन लेवल है वो भी बड़ा कम है, गरीबी भी है और लोग बस अपना गेट वन गेट टू से आगे सोच नहीं करना चाहते। तो इस बार मैं उनके लिए एजुकेशन फंड का एक निर्माण किया है, ताकि एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड। आइडिया है कि मैं बच्चों का विकास करूं। मैंने कम्युनिटी ऑफिसर को अपॉइंट किया है। आइडिया है कि वो घर घर जाए, उनके माँ बाप से मिले, जो बच्चे बड़े अच्छे अच्छे आ गए हैं लाइफ में उनको वो रोल मॉडल दिखा के दूसरों को प्रोत्साहन दिया जाए, वो एक मेरा मॉडल है। तो कल परसों मैंने अपना पहला प्रकाश पूर्व था, तो मैंने गुरु महाराज के चरणों में एक नई सेवा ली कि जितने भी हमारे सिख सिकड़ीदार और बंजारा सिख बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए हम बहुत सारा आर्थिक सपोर्ट करेंगे। 10,000 से लेकर 40,000 रुपये तक पर ईयर, जैसे कोई PhD कर रहा है या मेडिकल इंजीनियरिंग, MBA, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, मतलब कई तरह की जो चीज़ें हैं, लॉ, CA, तो उस टाइप का हमने बना दिया है ताकि वो लोगों की हम उनको प्रोत्साहन दें। फिर जो छोटे बच्चों के लिए जो थोड़े थोड़े किताबें खरीदने के लिए जो वजीफे थे वो भी हमने बढ़ा दिए हैं, क्योंकि अभी महंगाई हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाएं, गरीब बच्चे बहुत हैं नांदेड़ में, तो उनका भी मैंने काफ़ी बढ़ा दिया है फ्रॉम 1st standard to 10th standard to graduation, ताकि एक अच्छा उस पर हमारा 1 crore के ऊपर खर्चा आएगा। लेकिन मैं इसको खर्चा नहीं समझता, मैं इसको सोचता हूँ सेवा, क्योंकि ये असली सेवा है जिसमें हम गुरु महाराज के चरण में हम गुरुद्वारा बोर्ड की गलती यही हो रही है कि एजुकेशन फंड जो है वो गोलक के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हमारा एजुकेशन फंड मैंने परसों शाम को डिसाइड किया, साइन किया और रात को वीडियो चला गया, परसों रात को, कल तक मेरे पास ऑलरेडी काफी पैसा आ गया था। बड़े लोगों के फोन आ गए, वो आ गए, हम दे रहे हैं। तो आप उसकी आपने उसका एक बैंक अकाउंट सेपरेट रख दिया है, ऑनलाइन वो पैसा दे सकते हैं। वो अकाउंट ही सिर्फ हम एजुकेशन कम्युनिटी फंड का होगा, ऑडिटेबल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शिता होगी, कोई उसमें किसी चीज से जुड़ा नहीं जाएगा। गुरु महाराज अगर लंगर चखा सकते हैं तो पढ़ा भी सकते हैं। दूसरा हमने किया है कि दरबार साहब ने जो महाराजा रंजीत सिंह ने सेवा की थी वो तकरीबन 180 साल से ज्यादा हो गए, तो जो उधर जो कला थी, जो आर्ट था, मीनाकारी थी, वो काफ़ी जगह पे टूटनी शुरू हो गई है, प्लास्टर गिरना शुरू हो गया, क्योंकि पानी करके, ह्यूमिडिटी करके, तख्त श्रान भी होता है, कई चीज़ों फैक्टर करके। लेकिन वो जो कला है वो आज हमारे पास नहीं है। तो एक संत बाबा महेंद्र सिंह है बर्मिंगम के, UK के, इधर सिविल इंजीनियर हैं वो खुद भी, और उनको ये सेवा के बारे में काफ़ी पता है। उसी तरह की सेवा उन्होंने हरमंदर साहब पटना साहब भी कर रहे हैं और
अपना सुल्तानपुर लोधी में भी, तो उनके उन्हें सेवा भी स्वीकार कर ली। वो इधर आए थे परसों और पांच प्यारों ने भी उसकी मता पास कर दिया। तो वो जो है 6-8 महीने में हम चाहेंगे कि जहां जहां पे वो चीजें खराब हुई हैं उनको वो दुरुस्त कर दिया जाए। फिर हमने कल एक कम्युनिटी सेंटर, एक छोटा मंगल कार्या का, उसका भी टक लगाया है बाबा बलवंत सिंह जी, बाबा बलवंत सिंह या बलविंदर सिंह जी, तो हम सब गए थे। तो वहाँ पे बौड़ी साहब जो है बड़ा हिस्टोरिकल है, ये मैंने पिछली बार भी मैंने खोली थी। तो वहाँ पे गुरुद्वारा तो है, निशान साहब भी हैं, घोड़े हैं, तो पहले लोग म्यूजियम देखने आते हैं, फिर घोड़ों के दर्शन करते हैं, फिर बौड़ी साहब के आसपास में बड़ा बाग बगीचा बनाने जा रहा हूँ, सब ऑलरेडी सफाई भी हो गई है। और टोटल जो एरिया है मैं उसको बहुत डेवलप करना चाहता हूँ ताकि बहुत सुंदर चीज बने, क्योंकि कई लोग उधर जाते हैं तो किसी ने फैला दिया था झूठा कि वहां पे हम गुरुद्वारा बनाएंगे और वहां पे रोड बनने वाली है। वो रोड बननी थी 2008 से पहले, पर जब नई रोड बड़ी बन गई थी जहाँ पे NRI निवास, गुरु ग्रंथ साहब निवास है म्यूजियम के सामने, तो इस रोड को खत्म हो गई थी। अब उनको तो ऐसा कुछ भी नहीं है और गुरुद्वारा जैसा है वही रहेगा, सिर्फ उसको थोड़ा ब्यूटीफुल कर देंगे। और जो ये जगह है यहाँ पे 1000 के करीब लोग आ सकेंगे, क्योंकि इन्होंने रंजीत निवास पिछले बोर्ड ने तोड़ दिया था, तो उसमें एक बंजारा हाल था जिसमें गरीब लोग जो थे बेचारे, वो अपना कोई फंक्शन करना है, कोई बर्थडे पार्टी है या कोई और लोगों को, तो वो जा सकते थे। अब वो तो है नहीं है, तो हम इधर उनको जगह मिल जाएगी गरीब लोगों के लिए, क्योंकि मंगल कार्य थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो 1000-1200 लोग बैठ सकेंगे। बहुत सुंदर बनाने जा रहे हैं और सारा एरिया उसको एक ऐसा ब्यूटीफुली एस्थेटिकली हम मर्ज करने जा रहे हैं। मेन क्वेश्चन ये है, हाँ जी, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये कुछ निर्माण करने की बात करते हैं, तो हमारी गाड़ी पिछले 10 साल से एक ही जगह अटके हुए कि हमारी जमीनें सरकार के पास है, डेवलपमेंट अथॉरिटी महानगर पालिका है, जिसके कारण हमारे परमिशन नहीं मिल रही है और गवर्नमेंट के अपने कैलकुलेशन है। तो उस कैलकुलेशन में आप अपने आप को कहां देखते हैं कैलकुलेशन में? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना ली है जहां पे रिजर्वेशन हुई हुई थी, लेकिन अभी तक नहीं निकाली। म्यूनिसिपल कमीशन से मुलाकात भी हो गई है, ऑलरेडी वो प्रोसेस भी चालू है। पहले मैं मिनिस्ट्री की वेट कर रहा था तो मिनिस्ट्री बनी, लेकिन उसके बाद एकदम असेंबली सेशन शुरू हो गया। तो अभी सितंबर के महीने में हम उसके ऊपर, मैं UD वगैरह में अर्बन डेवलपमेंट, रेवेन्यू, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सबके साथ संपर्क करके जो जो चीजें हैं उनको करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी एक मैंने प्रोसेस कर दी है जिसमें मैं जो जमीनें, जो बड़ी 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 जमीनें हैं दूर जगह पर, वहां पे मैं उनके संरक्षण के लिए, उनके लिए बड़ी अच्छी टीक वुड और बैम्बू वगैरह लगवा के बाउंड्रियां बना के, कहीं पे सोयाबीन लगेगा, कहीं पे कुछ लगेगा, ताकि इनकम भी आएगी गुरुद्वारे को और चीजें प्रोटेक्ट होंगी। वहां पे सिक्योरिटी का स्टाफ रहेगा, उनको उधर ही घर बना दिया जाएगा ताकि उनको रह भी सके उधर ही। और कई जगह पे जहाँ पे हम एरिया है डेवलप करके शॉप बनाने जा रहे हैं। लेजर शो जो 3 साल से बंद था वो अभी 27 अक्टूबर को गुरुता गद्दी है, तो उससे पहले शुरू करना है मुझे। 20 अक्टूबर की मैंने अपने लिए लिमिट रखी है उसकी, तो वो भी कर दिया है। तो और गो एयर के टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलके मेरी बात हो गई है, भगवान ने चाहा तो 24 सितंबर को, 24 दिनों के बाद, 25 दिनों के बाद गो एयर की बॉम्बे से नांदेड़ की सेवा भी शुरू हो जाएगी। फिर तो अच्छे अच्छे लोग भी आ सकेंगे, बड़े बड़े लोग। तो हमारी ये जरूर है कि कोरोना 2 साल होने करके और एयर सर्विस बंद होने करके जरा थोड़ी सी इनकम में फर्क पड़ा था, लेकिन वो गुरु महाराज अपने आप करते रहेंगे। तो ये काफी सारी चीजें इस तरह कर रहा हूँ ताकि एक डेवलपमेंट सिर्फ प्रोजेक्ट्स की ना हो, उनकी जो है उनकी मेंटेनेंस हो, नए प्रोजेक्ट ध्यान से किए जाएं, बच्चों का प्रोत्साहन देके उनको एजुकेशन दिए जाएं, उनको मैं जॉब देने के लिए मैंने UAE में प्रबंध किया है कि जो टेक्निकल बच्चे हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फिटर वगैरह, नर्सिस, ड्राइवर, वो जाना चाहते हैं तो मैं उनको UAE में जॉब दिला दूंगा। 7-8-10 साल काम करके आएंगे तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा हो जाएगी। तो मैं इस तरह की चीज़ें करना चाहता हूँ। हमारे पास बच्चे हैं बड़े, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाए। अभी मैं सारा जो
इवन जो सारे जो एम्प्लॉयज हैं 1135 के करीब, उनकी भी मैं पूरी चीजें बना रहा हूँ, सिस्टम बना रहा हूँ, मिनिमम एजुकेशन एज, ताकि गंदे बंदे नहीं आए, एफिशिएंसी बार हो, परफॉर्मेंस बेस हो। अभी आज कई जगह मैं देख रहा हूँ एमबीए वाला और 10वीं पास वाला एक ही सेवा कर, वो सब खत्म हो रहा है। मैं चीजें सब सेट करना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहता हूँ, ताकि उसके ऊपर कोई गेम ना खेल सके, कोई सियासत ना कर सके। हमने गुरु महाराज की असली सेवा करनी है। पिछली मेरे टेन्योर में मैंने कंप्यूटराइज कर दिया था सारा, जितना भी चुनाव आता है, अकोमोडेशन, सारी चीजें पूरी कर दी थी। मैंने जाने के 2-3 साल बाद वो जानबूझ के मैनुअल पे आ गए। अब मैं कारण क्या बताऊं आपको, तो समझ सकते हो। अब मैं फिर वापस उसको ला रहा हूँ कंप्यूटराइज। तो इस तरह की चीजें हैं। अगर हम सब गुरु महाराज को प्यार करते हो, करते हैं, सब करते हैं, तो फिर इन चीजों से हमें बचना चाहिए। सियासत अपनी जगह पर है। बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बहुत सारे जगह चल रहे हैं, और ऐसा है कि स्कैंडल कास्ट इज मोर देन के, ऐसा जो चल रहा है। हमारे पास हमने वकीलें लगाई हुई है, लाखों रुपए खर्चा हो रहा है, लेकिन हमारे पक्ष में बात नहीं आ रही, और हमारे लॉ स्टेटस से कहा है अगर वो पता नहीं चलता, उसको रिफॉर्म करना चाहिए। आपका इतना लॉन्ग वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, आप कानून जानते से भी जानते, लेकिन हमारा जो कमजोर पक्ष है, जो हम कोर्ट में साबित नहीं कर रहे हैं, हमारे जमीन एक्ट की, जैसे एनटीसी का चल रहा है, मेडिकल कॉलेज का केस है, और उसके अलावा भी हमारे टेनेंट के केसेस बहुत सारे हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, किसी का किराया बाकी है, किसी के बीच में आपने आपके समय में कुछ टेनेंट्स का किया थे, तो फायदा हुआ था, वो किराया चल रहा था, अब ये पूरा कोलैप्स हो गया। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये मुझे भी बड़ा उसके करके बड़ा अफसोस है और कंसर्न है। ऑलरेडी मैं उस पर चल पड़ा हूँ, कुछ उसके ऊपर प्रोग्रेस भी हो गई है, लेकिन अभी बताना नहीं चाहूंगा जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाता। एनटीसी मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, फिर एक एमटीएनएल के साथ हमारा था जिसपे हम केस जीत गए हैं, उनको मैंने बुलाया है, उनके साथ मेरी मीटिंग है, तो मैं ये काफी चीजें अभी करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी बोलूंगा नहीं, लेकिन करके दिखाऊंगा तभी होगा। लेकिन ये चीजें ऐसी है कि इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपने कि आज 1-2-4 दिन में नहीं हो सकती, लेकिन उसके जो रिजल्ट है वो आपको बहुत जल्दी दिखने शुरू हो जाएगा। कुछ गुरुद्वारा बोर्ड की तरफ से अभी ऑर्डर था होली के मेले में, जो घटना थी हमारे पास जो होली के मेले में, गुरुद्वारा बोर्ड ने उनको ऑर्डर दिया ड्यूटी पर रखे, उनको जबरदस्ती केसेस हो गए, पुलिस ने उनको लेकर गया, उनको टॉर्चर भी किया, अभी केसेस चल रहे, और उनका केस गुरुद्वारा बोर्ड नहीं लड़ रहा है, जबकि गुरुद्वारा बोर्ड का ऑर्डर है चंद्र के कर्मचारी होने चाहिए। अब वो खुद का पैसा अभी तक किसी के 60,000 खर्चा हुआ, किसी के 75,000 बोर्ड है, मुझे नहीं पता था, ये आपने मुझे बताया है। आपके जाने के बाद मेरी पूरे घंटे बाद मैं निकलने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले इसका फैसला करके जाऊंगा। थोड़ा उनको गरीब कर्मचारी आपने बता दिया, बड़ा अच्छा किया, मुझे नहीं पता था, मैं कुछ सॉल्व करूंगा।